प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे, भाजपा ही इसे पूरा करेगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। इसके पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को लेकर कहा कि इन तीन खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा है। उन्होंने युवाओं के बारे में कहा कि इनके कारण ही यहाँ के युवा तरक्की नहीं कर पाए। जिन नौजवानों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वो इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। आज वादी का जो नौजवान 20 से 25 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए हैं। और शिक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज यहाँ करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बने हैं। साथियों, यहां के तीन खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था। इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते, वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका। इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे, इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ, जहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं तीन खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी, डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था। और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये तीन खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। पहले के उन हालातों से अलग अब कितना कुछ बदल गया है।